दोस्तों, हम दिन भर में जो भी खाते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, और आजकल तो लोग वैसे भी हेल्दी खाने को भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी खाने वाली चीज को शरीर के बनावट के अनुसार उसके खाने का सही समय और सही मौसम को तय किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में तीन मुख्य तत्व होते हैं, वात, पित्त और कफ। शरीर में जब भी इन तत्वों में से किसी में भी इम्बैलेंस होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में ऐसे भोजन को खाने के लिए कहा जाता है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और जो हेल्दी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो। आयुर्वेद के अनुसार हमारे भोजन में 6 प्रकार के रस जरूर होने चाहिए। ये 6 रस हैं, मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, कड़वा और कसैला। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने शरीर की बनावट के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आयुर्वेद में घूंट घूंट करके पानी पीना अमृत के समान माना गया है। खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिया जा सकता है। वहीं अगर आपको जरूरत है तो आप खाना खाने के दौरान 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीने से पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तो वहीं खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। पूरे दिन में सादा पानी या गुनगुना पानी पीना ही सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। सब्जियां पकाने में अधिक समय ना लगाएं। ध्यान रखें कि सब्जियां ना तो ज्यादा पकी हुई हो और ना ही ज्यादा कच्ची हो। आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे तवे पर भून लेना है। जैसे ही वो टुकड़ा ठंडा होगा, उस पर सेंधा नमक को लगाना है। इसके बाद इस टुकड़े को आपको खाना खाने से 5 मिनट पहले खा लेना है। इससे होगा ये कि आपकी भूख बढ़ जाएगी और आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर हो जाएगी। जंक फूड और शुगर ड्रिंक से परहेज कीजिए, क्योंकि इनमें सोडियम, ट्रांस फैट और शुगर की भरमार होती है। गर्म और ताजा खाना ही आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपनी भूख का आधा खाना ही खाना चाहिए। इससे होता यह है कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सिर्फ कभी कभी खाना है, जैसे कि पनीर हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, स्प्राउट हफ्ते में 2 बार, दही हफ्ते में 2 या 3 बार, क्योंकि दही को रोज खाने से आपको मोटापा, जोड़ों में दर्द और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और अच्छा ये होगा कि आप दही में शहद या मिश्री मिलाकर खाएं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके कॉम्बिनेशन को आयुर्वेद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है, जैसे कि जिसे आप मिल्क शेक कहते हैं, वो एक्चुअली आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी फल का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी दही के साथ आपको पराठे नहीं खाने चाहिए, और दूध के साथ कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिसमें नमक मिला हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जय हिंद।